अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बीबी जान के दस्तरखान से मूली के पराठे बनाना सिखाएंगे। सर्दियों में ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रेश मूलियाँ होती हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को घर ट्राई कीजिएगा। मूली के पराठों के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। एक अदद हमने मूली मीडियम साइज़ की लेके इसको धोकर अच्छी तरह से इसको कद्दूकश कर लिया है बारीक। अब इसको हमने एक बाउल में डालना है, लेकिन इसको पहले हाथ से थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे कि इसके अंदर जो एक्सेस पानी है वो आपका निकल जाए। आप इसको कई लोग बॉयल करते हैं, लेकिन बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको ऐसे दबाएंगे इसका पानी निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा हाथ पे डाल के इसको ऐसे करें तो इसका पानी निकल जाएगा, क्योंकि पानी के साथ जब हम रोटी बेलेंगे तो वो आटा बहुत नरम हो जाएगा। इस तरह मूली के अंदर हमने जो मसाले डालने हैं, हरा धनिया, भुना कुटा हुआ जीरा, कटी हुई हरी मिर्चें दो अदद, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक, एक टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इन चीजों को सबको मूली के अंदर जो हमने कद्दूकश की है इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया, ये बहुत इजी होता है, इसको आप बनाएं बहुत मजे के लगेंगे। अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है, और अब जो आटा हमने गूंदा हुआ है उसके गोल गोल पेड़े बना के उसके अंदर इसकी स्टफ, आटा जो हमने गूंदा है हमने उसी तरीके से गूंदा है जो हमने आलू के पराठों की रेसिपी में जैसे हमने आपको बताया था, और रोल पराठे में भी हमने आपको बताया था कि आटा हमने किस तरह से गूंदना होता है, वो आप वहां से देख लीजिएगा। और अब हम इस पराठों को तैयार करेंगे। ये देखें, हमने छोटे छोटे पेड़े बना के उसकी छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था उसको डालेंगे थोड़ा सा। इसको ज्यादा नहीं भरना। अब दूसरी जो रोटी है उसको इसके ऊपर रख के इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से दबा दें ताकि ये बाहर ना आए, और फिर इसको हल्के हल्के हाथों से बेल दें। इसको ज्यादा दबा के नहीं बेलना। अब ये देखें, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पी बनाया है। इसको बहुत तेज आग पे नहीं बनाना, ये बहुत मजे के बनेंगे। अब ये हमारे मजेदार मूली के पराठे तैयार हो गए हैं। इसको आप जरूर ट्राई करें घर पे, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस डिश का कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।